हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वर्किंग कैपिटल चैप्टर सीखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। ये हमारा वर्किंग कैपिटल का सेकंड लेक्चर है। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन बताया था और जो है स्टेप बताए थे, डिस्कस किए थे कि कैसे हमें वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। मैं आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उसके पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल बटन को दबा लें ताकि आपको हमारे आने वाली अकाउंट और टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लेक्चर में हम बच्चों 3 क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइड द अल्फा लिमिटेड एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। मतलब ये जो डेटा दिया गया है वो 2014 का दिया गया है। एस्टिमेटेड एक्टिविटीज ऑपरेशन फॉर द ईयर 260,000 यूनिट्स 52 वीक्स। मतलब जो डेटा दिया गया है वो वीक्स में, मतलब पूरे साल में हम लोग 260,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स, तो मतलब रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 वीक का है। प्रोडक्शन साइकिल मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 2 वीक्स लगता है। मतलब ये WIP से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स। फिनिश गुड्स कितने वीक्स के लिए बच्चों? 2 वीक के लिए है। 2 वीक्स क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर का मतलब होता है बच्चों क्रेडिटर। सप्लायर मीन्स व्हाट? क्रेडिटर। 4 वीक क्रेडिट इज अलाउड टू डेटर, मतलब डेटर्स को हमने 4 वीक का क्रेडिट दिया। टाइम लैग, टाइम लैग का मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 2 वीक्स ईच, मतलब वेजेस का भी 2 वीक्स है एंड ओवरहेड का। कैश एट बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन 25,000, मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस का जो है अमाउंट गिवन है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि कैश और बैंक का अमाउंट जो है आपके क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसमें आपको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 रुपीज है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट यूनिट एज पर रॉ मटेरियल इज 33.13 का मतलब होता है 33.33 ऑफ सेल्स। सेल्स का रॉ मटेरियल जो है सेलिंग प्राइस का 33.33% है। लेबर एंड ओवरहेड इन द रेशियो ऑफ 6:4 पर यूनिट। प्रॉफिट इज 5 per unit, मतलब प्रॉफिट जो है आपका 5 per unit का है। एज्यूम दैट द ऑपरेशन आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। वेजेस एंड ओवरहेड एक्रीव सिमिलरली। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड फीडिंग ऑफ द मटेरियल फुल्ली बिगनिंग, मतलब जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल फुल्ली मतलब 100% रॉ मटेरियल एट द बिगनिंग आपको इनकर्ड करना है। ड्यूरिंग डिग्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 50%। अच्छा बच्चों भी यहाँ पे ध्यान दो, वर्क इन प्रोग्रेस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको 100% का हिंट यहाँ पे दे रहा है, तो रॉ मटेरियल तो 100% है और लेबर एंड ओवरहेड यहाँ पे 50% होगा। तो और एक बच्चों बात ध्यान में रखें, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि WIP का वैल्यूएशन रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% रॉ मटेरियल और लेबर एंड ओवरहेड 50-50%। डेटर आर टू बी एस्टिमेटेड एट सेलिंग प्राइस। अच्छा डेटर का यहाँ पे क्लियर बोला है कि सेलिंग प्राइस पे वैल्यूएशन होगा। अगर नहीं भी बोला होता तो भी हम सेलिंग प्राइस पे ही करते, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन ना हो कि डेटर का वैल्यूएशन जो है कॉस्ट प्राइस पे करना है, तब तक हम क्या करेंगे, डेटर का वैल्यूएशन जो है सेलिंग प्राइस पे करेंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? हमें 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जो कि हमने जो स्टेप्स है वगैरह जो है हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वापस ज़रूर देखें हमारा फर्स्ट लेक्चर, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट का था। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसमें क्वेश्चन देखते हैं हमारा स्टेप नंबर 1।
फर्स्ट स्टेप कैसे होगा सॉल्व करने का। फर्स्ट स्टेप, पहले हमें स्टेप नंबर वन में बच्चों यूनिट, अगर आपको डिटेल पर वीक में दिया है तो पर वीक यूनिट निकालना होगा, यूनिट प्रोड्यूस पर वीक। अगर आपको डिटेल मंथ में दिया है तो एक मंथ का, अगर डेज में दिया है तो एक दिन का। तो यहाँ पे जो डिटेल दिया है मेरे बच्चों वो किस में दिया है, आपको वीक्स में दिया है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर वीक इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर एनम डिवाइड बाई 52। आपको यहाँ पे दिया है 260,000 डिवाइड बाई 52। तो आप देखते हैं बच्चों 260,000 डिवाइड बाई 52 किया तो 5,000 यूनिट्स जो है आपको आता है। देखिए 260,000 डिवाइड बाई 52, तो आपको यहाँ देख सकते हैं पूरे साल में 260,000 यूनिट है और पूरे साल में 52 वीक्स है। कभी कभी 50 वीक्स देता है तो 50 लेने का, लेकिन यहाँ पे 52 दिया है। तो 5,000 यूनिट्स पर वीक, ये स्टेप नंबर वन हो गया। स्टेप नंबर टू में हमें जो है कॉस्ट शीट बनाना होता है मेरे बच्चों, कॉस्ट शीट जो है फॉर 5,000 यूनिट्स। कॉस्ट शीट जो है 5,000 यूनिट्स के लिए आपको बनाना होगा। यहां पे पर्टिकुलर्स पर यूनिट्स प्राइस यूनिट्स और यहाँ पे अमाउंट रुपीस। अब यहाँ पे आपको लेना होता है रॉ मटेरियल, ये आपको भी फॉर्मेट मैंने आपको रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। इस तरह से बच्चों आपको क्या है ये डिटेल जो है देखते हैं अभी इसमें से क्या क्या आपको, ये फॉर्मेट आपको कॉस्ट शीट का हमने ऑलरेडी दिया था। अब इसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो सेलिंग प्राइस जो है आपको 15 रुपया पर यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस 15 रुपीज पर यूनिट हमने लिख दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट बोला है रॉ मटेरियल इज 33.33%, तो रॉ मटेरियल जो है 15 रुपये का 33.3333%। तो देखते हैं यहाँ पे 15 × 33.3333% तो 5 रुपया आएगा आपको, 4.99 मतलब 5 रुपीज। और बच्चों यहाँ पे लेबर एंड ओवरहेड क्या बोला है, ये दोनों आपस में कौन से रेशियो में है, 6:4 मतलब इस रेशियो में है। तो अब आप देखते हैं कैसे आएगा। आगे हमें क्या दिया, प्रॉफिट इज ₹5, प्रॉफिट अगर 5 रुपया है तो टोटल कॉस्ट ऑब्वियसली बच्चों 10 रुपये का आएगा। अब अगर 10 रुपये में से 5 रुपया आपका सेलिंग प्राइस रॉ मटेरियल है, तो बच्चा ये दोनों डिफरेंस जो है ये दोनों कितने रुपीज का होगा, 5 रुपीज का डिफरेंस आएगा। अब 5 रुपये को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 6:4 में। तो यहाँ पे लेबर कितना हो जाएगा, 5 × 6/10, यहाँ पे 5 × 4/10। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 5/10, तो यहाँ पे 6 = 3 मतलब आपका लेबर जो हो जाएगा 3 रुपीज और ओवरहेड आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 रुपीज मिलेगा। 5 × 6/10 3, 5 × 4/10 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पर यूनिट का डेटा मिल गया। अब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ यूनिट जो आपने कैलकुलेट किया स्टेप नंबर वन उसको आपको मल्टीप्लाई करना उससे। ध्यान रखें नंबर ऑफ यूनिट हर जगह सेम लेना है आपको, उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। अब मैं बच्चों आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देख सकते हैं आपको हर जगह 5,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू टाइप 5,000, प्रेस 2 टाइम प्रेस करेंगे, उसके बाद प्रेस 5 = मतलब आपको 25,000 मिल जाएगा, 3 = 15,000 डायरेक्टली, 2 = 10,000, 10 = 50,000
एंड 5 इक्वल टू 25,000, 15 इक्वल टू 75,000। तो इस तरह से मेरे बच्चों ये सारी चीज़ें आ जाएगी, या नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं 5 × 5,000 तो भी आपको 25,000 आएगा, 3 × 5,000 15,000 आ जाएगा, 2 × 5,000 10,000 आ जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके स्टेप नंबर 2 से आप जो है डिटेल्स निकाल सकते हो। अब आगे देखते हैं बच्चों कैसे है स्टेप नंबर 3 में हमें बाकी का डिटेल जो है कैसे कैलकुलेट करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पर्टिकुलर्स, वर्किंग अमाउंट, अमाउंट। तो सबसे पहले आपको ए पार्ट जो है करंट एसेट लेना होगा। करंट एसेट में आपको सबसे पहले स्टॉक की डिटेल आपको लेनी होती है। तो देखते हैं बच्चों हमें करंट एसेट में स्टॉक वगैरह है क्या क्या। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल है आपको, यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल दिया है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए हमने फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में, रॉ मटेरियल इंटू होल्डिंग पीरियड। तो देख सकते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल कितने का है, 25,000 का, इंटू होल्डिंग पीरियड। रॉ मटेरियल कितने वीक के लिए है, 2 वीक्स के लिए, यहाँ पे देख सकते हो मेरे बच्चों 2 वीक्स के लिए है। तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो आप 25,000 × 2 करेंगे तो 50,000 रुपया आएगा। नेक्स्ट अब आपको लिखना होगा स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ WIP, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था रॉ WIP तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा। पहला तो आपका रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल के केस में रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं 25,000 है यहाँ पे, और WIP का होल्डिंग पीरियड 2 वीक्स है, मतलब प्रोडक्शन साइकिल के लिए 2 वीक्स लगता है। तो यहाँ पे इंटू 2 और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बिगनिंग में ही सारा मटेरियल यहाँ पे हमने बताया था लेबर जो है 50-50 लेबर एंड ओवरहेड और रॉ मटेरियल 100%। तो आपका ये आ जाएगा 50,000 रुपया। नेक्स्ट आप लेबर जो है आपका यहाँ पे 15,000 रुपये का है, 15,000 आपने कैलकुलेट किया अमाउंट, 15,000 × होल्डिंग पीरियड जो है इसका 2 वीक्स है, और मल्टीप्लाई बाय 50%, क्योंकि यहाँ पे 50% ही कंप्लीशन है। तो ये आपका जो आएगा 15,000 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट ओवरहेड 10,000 है, ओवरहेड आपका 10,000, होल्डिंग पीरियड 2 और आपका ये जो है 50% जो देख सकते हो ओवरहेड यहाँ पे 50% है। तो इस तरह से आपको ये कितना आ जाएगा 10,000। अब अगर ये तीनों चीज़ों को आप ऐड करते हो तो आपको जो है ये तीनों आइटम को ऐड कर दोगे तो आपको जो मिलेगा WIP मिल जाएगा। तो 50,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 इस तरह से 75,000 स्टॉक ऑफ WIP मिल गया। नेक्स्ट आपका होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब आपको हमने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर फिनिश्ड गुड्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन जो है आपको मेरे बच्चों किस पे करना होता है, टोटल कॉस्ट पे। तो देख सकते हैं यहाँ टोटल कॉस्ट कितने का है, 50,000 रुपया। तो टोटल कॉस्ट 50,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय उससे करना है होल्डिंग पीरियड। तो देख सकते हैं यहाँ फिनिश गुड्स का रिमेन इन स्टॉक 2 वीक्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब आपको 1,00,000 रुपये का आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 1,00,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट आपको डेटर, पहले आपको जो करंट एसेट है उसको लेना है, देखो यहाँ पे उसके बाद आपको क्रेडिटर का इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन क्रेडिटर जो है आपको मेरे बच्चों वो क्या होता है करंट लायबिलिटी। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डेटर 4 वीक्स क्रेडिट अलाउड टू डेटर, डेटर्स हमें यहाँ पे लिखना होगा डेटर्स। और यहाँ क्लास लाइन में देखो डेटर आर टू बी एस्टिमेटेड एट सेलिंग प्राइस, डेटर को सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस जो है 75,000 है मल्टीप्लाई बाय, अब आपका सेलिंग प्राइस कितना है, होल्डिंग पीरियड है 4 वीक, तो 4, तो इस तरह से 75,000 into 4
तो 3 लाख रुपया आपको आता है मेरे बच्चों। तो रेटर जो है 3 लाख रुपये का मिल गया। अब आपको जो है और कोई करेंट एसेट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ देखो आप कैश एंड बैंक बैलेंस मेंटेन 25,000। तो कैश एंड बैंक बैलेंस जो है ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेशन वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। 25,000। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल, देन यू विल गेट टोटल करेंट एसेट। करेंट एसेट का टोटल ले लेना है। अब आपको 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 25,000, तो इस तरह से 5,50,000 रुपये का टोटल मिल जाता है करेंट एसेट। 50,000 75 प्लस 5,50,000। ओके, नाउ अब आपको ये ए पार्ट मिल गया। नाउ बी पार्ट जो निकालना होता है वो क्या होता है, करेंट लायबिलिटी। और करेंट लायबिलिटी में मेरे बच्चों ध्यान दें, दो ही चीज़ें आपको दी गई है। करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या दी गई है यहाँ पे, अब आपको लेना क्या होगा करेंट लायबिलिटीज में। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन जो होता है क्रेडिट परचेज पे होता है। तो हमने क्या खरीदा रहेगा, रॉ मटेरियल हमने मेरे बच्चों खरीदा रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं रॉ मटेरियल 25,000 रुपये है, और आपको क्रेडिटर सप्लायर का होल्डिंग पीरियड 2 वीक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 वीक्स क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 वीक्स, तो आपको जो आएगा उसे हम बोलेंगे 50,000 रुपया। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, या आप बोल सकते हैं लेबर, यहाँ देख सकते हैं 4 टाइम लैग पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 2 वीक्स ईच। तो यहाँ पे देखें लेबर आपको 15,000 है, 15,000 इंटू 2, तो आपको जो मिल जाएगा उसे बोलेंगे 30,000। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कितने का है, 10,000 का, 10,000 ओवरहेड, और यहाँ पे होल्डिंग पीरियड 2 वीक्स है, तो 10,000 इंटू 2, तो इस तरह से आपको 20,000 मिल जाएगा। नाउ टेक अ टोटल, टोटल लेंगे तो हमें मिलेगा टोटल करेंट लाइबिलिटीज, जो कि हमारा बी पार्ट होगा। अब हमें बच्चों 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, तो टोटल हमारा 1,00,000 रुपये का आ रहा है। नाउ अब आपको वर्किंग कैपिटल के लिए बच्चों क्या करना होता है, टोटल ऑफ करेंट एसेट माइनस टोटल ऑफ करेंट लायबिलिटी। तो यहां पे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब टोटल करेंट एसेट 5,50,000 माइनस 1,00,000, तो इस तरह से आपको 4,50,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपको बच्चों आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है 3 स्टेप के मदद से। पहला स्टेप में आपको यूनिट निकालना होगा, और दूसरे स्टेप में आपको ये कॉस्ट शीट बनाना होगा, और तीसरे स्टेप में ये सिंपल से आपको क्या करना होता है, अमाउंट इंटू होल्डिंग पीरियड, अमाउंट होल्डिंग पीरियड जो कि आपको। तो इसलिए मेरे बच्चों आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा होगा। तो अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, तो वहाँ से आपको 3 स्टेप के बारे में समझ में आएगा। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखते हैं बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है आज का। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन 30,000 यूनिट, मतलब ये पर एनम है, पूरे साल में हमने 30,000 यूनिट बनाया है। सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़, रॉ मटेरियल 60%। ये जो डिटेल दिया गया है आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का मतलब लेबर होता है। डायरेक्ट वेजेस 1/6 ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड ट्वाइस ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस जितना रहेगा उसका डबल आपका ओवरहेड रहेगा। मटेरियल इन हैंड 2 मंथ, मतलब होल्डिंग पीरियड मटेरियल का 2 मंथ है। प्रोडक्शन टाइम मतलब आपका WIP, ये आपका मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल के बारे में बता रहा है। फिनिश गुड्स 3 मंथ के लिए। क्रेडिट फॉर मटेरियल, क्रेडिट फॉर मटेरियल का मतलब ये आपका क्रेडिटर्स के बारे में बता रहा है 2 मंथ। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर का मतलब मेरे बच्चों डेटर होता है, डेटर्स का आपको 3 मंथ दिया है। एवरेज कैश बैलेंस 40,000, मतलब कैश बैलेंस आपको 40,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको कैश बैलेंस कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे की तरफ। वेजेस एंड ओवरहेड पेड इन द बिगनिंग एट द नेक्स्ट मंथ, मतलब
बिगिनिंग एट द नेक्स्ट मंथ, मतलब वेजेस और ओवरहेड एक मंथ, वन नेक्स्ट मंथ का मतलब वन मंथ आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस एंड ओवरहेड वन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल मटेरियल आर चार्ज इन इनिशियली, मतलब मटेरियल जो है 100% है, एंड वेजेस एंड ओवरहेड एक्रीव इवनली, इवनली का मतलब हो गया 50%। तो जब हम डब्ल्यू आई पी का वैल्यूएशन करेंगे तो वेजेस एंड ओवरहेड को 50-50% लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेजेस एंड ओवरहेड पेड एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, वन मंथ स्टार्टिंग में है, मतलब एक मंथ का आउटस्टैंडिंग है। प्रोडक्शन ऑफ ऑल मटेरियल आर चार्ज इनिशियली, मतलब पूरा मटेरियल एक साथ ही इनकर्ड करना है। वेजेस एंड ओवरहेड एक्रीव इवनली, मतलब 40-50% वेजेस एंड ओवरहेड लेना है। तो चलते बच्चों आज के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर टू जो आज का है, पहले आपको क्या निकालना। अच्छा बच्चों अभी यहां पे डिटेल्स जो है मंथ में दिया है, तो हमें जो निकालना होगा वो मंथ में, यहां पे लिखना होगा यूनिट्स प्रोड्यूस पर मंथ। बच्चों आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन में डिटेल कैसे दिया है, यहाँ पे लिखना है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर एनम डिवाइड बाय 12। तो अब आप देख सकते हैं 30,000 रुपया है, 30,000 डिवाइड बाय 12 करना है, तो 2,500 आएगा आई थिंक। 30,000 डिवाइड बाय 12, यस 2,500, तो ये आपका 2,500 यूनिट्स आया। अब आपको इसी अकॉर्डिंग ये पर मंथ होगा। अब इस अकॉर्डिंग स्टेप नंबर, ये हमारा वन था, स्टेप नंबर टू में हमें जो बनाना है वो उसे क्या बोलेंगे, कॉस सीट, कॉस सीट फॉर 2,500 यूनिट्स। कॉस सीट का फॉर्मेट आपको पता होगा मेरे बच्चों, सिंपल सा हमारा फॉर्मेट है, ये आपका पर यूनिट्स डिटेल, ये आपका यूनिट्स, ये आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट होगा। अब आपको सिंपल सा ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, मतलब अगर हमारा मान लेते हैं ये ए है और ये हमारा बी है, तो ये हमारा सी कैसे मिलेगा, ए इंटू बी करके, मतलब मल्टीप्लाई करके। अब हमें यहाँ सिंपल सा फॉर्मूलेट लिखना होता है, रॉ मटेरियल वेजेस या लेबर आप बोल सकते हैं, ओवरहेड। अब ये तीनों ऐड करोगे तो आपको मिल जाता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर आप ऐड करते हो तो आपको जो मिलेगा उसे आप बोलोगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों। इस तरह से देखते हैं हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल कितना दिया गया है आप उसे देखते हैं। रॉ मटेरियल हमारे क्वेश्चन में मेरे बच्चों दिया है, यहाँ पे देख सकते हो 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमें पहले 10 रुपया दिया है, तो 10 रुपीज़ का 60%, मतलब आपको 6 रुपया होगा। और यहाँ पे क्या बोला, डायरेक्ट वेजेस 1/6 ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब 6 रुपये 6 × 1/6, मतलब आपको 1 रुपीज़ आएगा। ओवरहेड के लिए बोला ट्वाइस ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस का डबल, तो 1 आया डायरेक्ट वेजेस, 1 × 2, मतलब आपको 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 9 रुपया आएगा और प्रॉफिट 1 रुपये का हो जाएगा। और आपका यूनिट हमने निकाल लिया है 2,500। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें यूनिट इनटू रेट, तो आपको देखते हैं क्या मिल जाएगा, 15,000 2,500 5,000 22,500 2,500 एंड यहाँ पे 25,000। ये हमारा स्टेप नंबर टू हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट इनटू रेट, तो ये आपको कॉलम मिल जाता है। और सिंपल सा एक शॉर्टकट भी है बच्चों, जो यूनिट आया उसको आप टाइप कर लें 2,500 और दो बार ये मल्टीप्लाई साइन प्रेस कर दें, उसके बाद आपको टाइप क्या करना है, रेट 6 = 15,000, 1 = 2,500, 2 = 5,000, इस तरह से आपको आ जाएगा आंसर। तो अब हम देखते हैं आगे की तरफ स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल
यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स, यहाँ पे वर्किंग जो आपका कैलकुलेशन होगा, और यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे अमाउंट। तो देखते हैं हमें कैसे करना है मेरे बच्चों। पहला ए पार्ट आपको क्या लेना है, करेंट एसेट। करेंट एसेट में सबसे पहले आपका आता है, आपको पता होगा फॉर्मेट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल इन हैंड 2 मंथ, यहाँ पे आपने कितना निकाला, 15,000। 15,000 आपका अमाउंट है इनटू होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड जो है 2 मंथ है, तो इस तरह से आपको ये 30,000 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टॉक ऑफ, स्टॉक ऑफ WIP। यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्शन टाइम 1 मंथ, लेकिन आपको पता होगा WIP 3 चीज़ों से मिलके बनता है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। रॉ मटेरियल 15,000 है, 15,000 इंटू आपका प्रोडक्शन टाइम देख सकते हो 1 मंथ है, तो होल्डिंग पीरियड मतलब 1 मंथ है, इंटू 100% रॉ मटेरियल 100% है, तो 15,000 इंटू 1 इंटू 100% 15,000। ये आपको फॉर्मूला है, रॉ मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 50-50। ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में भी बताया था कि मटेरियल जो है इनिशियली इनकर्ड कर रहे हैं, तो 100% हो जाएगा। यहाँ पे लेबर, लेबर आपको देख सकते हो वेजेस, लेबर का मतलब होता है वेजेस, यहाँ पे लेबर का मतलब होता है वेजेस, 2,500 है, 2,500 होल्डिंग पीरियड प्रोडक्शन। अब बच्चे ये वाला लेने नहीं लेना है, एवरेज पीरियड नहीं लेना है, लेबर एंड यहाँ पे प्रोडक्शन टाइम कितना है 1 मंथ, तो वही लेना है 1 मंथ इंटू 50%। अब आपको 2,500 इंटू 50% इंटू 1, तो 1,250 मिल जाएगा। ओवरहेड आपका 5,000 रुपये है इंटू 1 इंटू 50%, तो आपको 2,500 मिल जाएगा। टोटल ले लें 15,000 प्लस 1,250 प्लस 2,500, तो 15,000 प्लस 1,250 प्लस 2,500, तो इस तरह से 18,750 आपको मिल जाएगा टोटल। अब आपको लेना है स्टॉक ऑफ, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स का आपको वैल्यूएशन मैंने पहले ही बताया बच्चों, पहले वैल्यूएशन में टोटल कॉस्ट भी होता है। टोटल कॉस्ट 22,500 रुपये का देख सकते हैं आपने कैलकुलेट किया, और आपको फिनिश गुड्स 3 मंथ का होल्डिंग पीरियड है, इंटू 3 कर दें तो 22,500 इंटू 3, तो आपको 67,500 जो है मिल जाएगा। इसके बाद आपको डेटर्स का वैल्यूएशन करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट फॉर मटेरियल, ये क्रेडिटर है, लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 3 मंथ है। डेटर्स, डेटर्स टोटल कॉस्ट आपका जो है, टोटल कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस पे, जब कुछ भी नहीं बताया तो डेटर का वैल्यूएशन हमेशा सेलिंग प्राइस पे होगा। और सेल्स के बारे में अगर हमारे क्वेश्चन में कैश सेल्स के बारे में नहीं बता रहे, तो हम पूरे ही सेल्स को मान लेते हैं कि ये क्रेडिट सेल्स होता है, क्योंकि डेटर का वैल्यूएशन जो है मेरे बच्चों क्रेडिट सेल्स पे होता है, तो हम पूरे सेल्स को यहाँ मान रहे हैं कि क्रेडिट होगा। तो 25,000 रुपया, और आपका होल्डिंग पीरियड देख सकते हो यहाँ पे 3 मंथ है, तो आपको 75,000 मिल जाएगा 25,000 इंटू 3। अब आपको कैश बैलेंस, ऑलरेडी क्वेश्चन में कैश बैलेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ 40,000 रुपये का, तो 40,000 रुपया कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, 90% चांसेस है कि आपको कैश बैलेंस जो है दिया हो। इस तरह से आप टोटल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल करेंट एसेट, मतलब आपका ए पार्ट 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 75,000 प्लस 40,000, तो ये आपको मिलेगा 2,31,250। अब आपको माइनस यहाँ से बी पार्ट लेना होता है करेंट लायबिलिटीज़ का, तो करेंट लायबिलिटीज़ में जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों क्या है आपका, क्रेडिटर्स दिया हुआ था, क्रेडिटर्स का जो वैल्यूएशन है वो क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे होता है। अब यहाँ हमें कैश परचेज ऑफ के बारे में नहीं बताया, तो पूरे पूरे रॉ मटेरियल का जो यहाँ अमाउंट है उसको हम मान लेंगे कि वो क्रेडिट है, तो यहाँ पे 15,000, और क्रेडिटर का होल्डिंग पीरियड आप यहाँ देख सकते हैं 2 मंथ है, तो ये आपका जो है 30,000 रुपया आ जाएगा। अब आपको लेना है आउटस्टैंडिंग ऑफ वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ ओवरहेड,
यहाँ आप पीछे देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ ओवरहेड। यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ ओवरहेड वन मंथ दिया है, और वेजेस एंड ओवरहेड देखो वेजेस का 2500, ओवरहेड का 5000 है, तो 2500 इंटू वन और 5000 इंटू वन, तो इस तरह से ये 2500 और ये 5000, तो टोटल अगर आप लें तो टोटल करेंट लाइबिलिटी मतलब बी पार्ट आपको मिल जाएगा 30000 प्लस 2500 प्लस 5000, टोटल आपका 37500 मिल जाएगा। अब अगर आप वर्किंग कैपिटल निकालना चाहें तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ए माइनस बी मतलब टोटल करेंट एसेट माइनस टोटल करेंट लाइबिलिटी, तो 1,93,750 आपको मिल जाएगा टोटल करेंट सॉरी वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से मेरे बच्चों तीन स्टेप में किसी भी क्वेश्चन को आपको तीन स्टेप में सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये इसमें देखते हैं हमें क्या दिया है और कैसे हमें करना है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो स्टार्टिंग के स्टेप में ही कन्फ्यूजन होगा, जो आपका कॉस्ट शीट बनाना है वहीं वो आपने एक बार बना लिया तो उसके आगे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 30,000 मशीन मतलब 30,000 मशीन 2013 में बना रहे थे, और वो भी 100% कैपेसिटी में मतलब पूरा 100% काम कर रहे थे तो 30,000 बना रहे थे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल मतलब ये 30,000 के अकॉर्डिंग ये जो डेटा है मटेरियल लेबर ओवरहेड और ग्रॉस प्रॉफिट का दिया हुआ है। ड्यू टू स्लो डाउन इन इकोनॉमी मतलब स्लो डाउन इकोनॉमी मतलब अभी हमारा जो है बिजनेस जो है स्लो डाउन हो गया है। कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन 50% मतलब हमें 2014 में प्रोडक्शन जो है रिड्यूस कर देना 50% मतलब 30,000 का 50%। तो मतलब बच्चों अभी हमें 2014 में 15,000 का ही प्रोडक्शन करना है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 15,000 यूनिट का ही प्रोडक्शन हम करने वाले हैं 2014 में, ठीक है। अब यहां देखते हैं प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिड्यूस बाय 10% मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस जो है रिड्यूस होगा 10% कभी यहां पे 2014 में, और वेजेस विल रिड्यूस बाय 20%, ओवरहेड विल इंक्रीज ओवरहेड जहां पे रिड्यूस हुआ वो माइनस करना है, जहां पे इंक्रीज होगा वो प्लस करना है। सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड टू मेंटेन अ प्रॉफिट ऑन सेल 20% मतलब सेलिंग प्राइस जो है 20% प्रॉफिट के ऊपर होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर 2014 ये तो आपको स्टॉक और विल रिमेन स्टॉक फॉर वन मंथ मतलब रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड वन मंथ है। फिनिश गुड्स रिमेन विल वेयर हाउस टू मंथ फिनिश गुड्स का कस्टमर एट अ सेलिंग प्राइस मतलब डेटर का वैल्यूएशन जो है सेलिंग प्राइस पे करना है। डेटर्स विल एंजॉय वन मंथ क्रेडिट डेटर का कितना है वन मंथ, सप्लायर मतलब होता है क्रेडिटर विल एंजॉय टू मंथ क्रेडिट मतलब क्रेडिटर्स जो है टू मंथ के लिए होगा। टाइम लैग पेमेंट एंड ओवर वेज टाइम लैग एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड मतलब वेजेस और ओवरहेड आउटस्टैंडिंग है कितने मंथ के लिए वन मंथ। प्रोसेसिंग पीरियड का मतलब होता है मेरे बच्चों डब्ल्यू आई पी जो है वन मंथ है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 30,00,000 मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर 2014 तो मतलब हमें 2014 में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होगा ये पता करना है। तो मेरे बच्चों देखो सब कुछ सेम है, चेंजेस कहाँ हो गया, ये जो आपका स्टेप नंबर 2 है, बाकी ये जो डिटेल है आपका वो तो पिछले क्वेश्चन में सही है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग। देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन जो है आज का तीसरा, आज का लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले मेरे बच्चों देखते हैं हमें कैसे कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले हमें ये निकालना है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन
2014, तो हमने 2013 में 30,000 यूनिट बनाए, लेकिन 2014 में हम 50% ही बनाना चाहते हैं। तो मतलब आपका 30,000 इंटू 50%, मतलब जो है हमारा ये आपका आ जाएगा 15,000 यूनिट्स। अब हमें निकालना है स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर मंथ, क्योंकि डिटेल हमें पर मंथ दिया है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर एनम डिवाइड बाय 12, क्योंकि डिटेल मंथ में दिया था। अब 2014 का डिटेल हमें देखो, वर्किंग कैपिटल मेरे बच्चों 2014 का निकालना था। 2014 में हम 15,000 यूनिट ही बनाने वाले हैं, तो 15,000 डिवाइड बाय 12, तो इस तरह से अगर हम 15,000 डिवाइड बाय 12 करें तो हमें 15,000 डिवाइड बाय 12 मतलब 1250, मतलब 1250 यूनिट जो है हमें मिल जाएगा। अब इस अकॉर्डिंग 1250 के अकॉर्डिंग हमें जो है कॉस्ट शीट बनाना है, लेकिन हमें यहाँ पे इतना आसान नहीं है थोड़ा सा बनाना कॉस्ट शीट, थोड़ा सा अभी ये हमें ध्यान देना होगा यहाँ पे। कॉस्ट शीट फॉर 1250 यूनिट्स, अब हमें जरा ध्यान देना है यहाँ पे कैसे बनाना होगा। पहले तो हमें देखते हैं पर्टिकुलर्स, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट प्लस इसमें हमें प्रॉफिट करना है, तो हमें जो मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में 2013 का डिटेल दिया हुआ है, वो भी टोटल अमाउंट्स दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2013 का अमाउंट्स दिया है। अब हम देखते हैं कितना दिया है हमारे पास, 7,50,000 है, 7,50,00,000 रुपया हमें दिया हुआ है। लेबर हमें दिया है 3,00,000 रुपये का, और सेल्स हमें जो है मेरे बच्चों दिया है 15,00,000 रुपए का। और हमें बोल रहा है क्वेश्चन क्लियर कि हमें प्रॉफिट जो है वो 20% है, मतलब सेल्स का 20% होगा, मतलब यहां देख सकते हो 20%, मतलब 15,00,000 का 20% अगर आप निकाले, देखो 15,00,000 का 20%, तो इस तरह से ये 3,00,000 रुपया मिलेगा। अब अगर आप 15,00,000 में से 3,00,000 माइनस कर ले तो ये 12,00,000 मिलता है। 12,00,000 में आप देख सकते हैं 12,00,000 जो है आपका टोटल कॉस्ट हो गया, 12,00,000 जो है टोटल कॉस्ट माइनस अगर आप मटेरियल कर ले 7,50,00,000 माइनस 3,00,000, तो आपको जो है ओवरहेड मिल जाएगा 1,50,00,000 रुपये का। तो ओवरहेड आपको मिल गया 1,50,00,000 रुपये का। अब मेरे बच्चों ये जो है टोटल अमाउंट है, हमें क्या चाहिए, पर यूनिट प्राइस। तो हमें चाहिए कि पर यूनिट प्राइस कितना था, पर यूनिट प्राइस इन 2013, मतलब 2013 में पर यूनिट प्राइस क्या था। तो हमें क्या करना होगा, ये जो डेटा दिया है वो 30,000 यूनिट के अकॉर्डिंग दिया है, क्योंकि हमने यहाँ देखो क्लियर बोला था कि यहाँ पे जो यूनिट है हमने यहाँ पे 30,000 यूनिट बनाया, तो मतलब आपको सारे अमाउंट को 30,000 से डिवाइड करना होगा। तो क्या करना है आपको, 7,50,00,000 डिवाइड बाय 30,000, 7,50,00,000 डिवाइड बाय 30,000। अब आपको 3,00,000 डिवाइड बाय 30,000 मतलब आपको 1,50,00,000 डिवाइड बाय 30,500, 12,00,000 डिवाइड बाय 30,000
तो ये आपको मिल जाएगा 4000, यहाँ पे 1000, तो टोटल जो है 5000 मिल जाएगा। ये पर यूनिट हो गया। क्या किया बच्चों हमने, ये टोटल अमाउंट को 30,000 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे निकालना जो होगा उसे हम बोलेंगे पर यूनिट, पर यूनिट प्राइस इन 2014, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे यूनिट से, कितना यूनिट से, जो आपने 2014 में बनाया, तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 2014 का। तो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों ये कॉस्ट शीट बनाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अब आपको बोला है मटेरियल जो है डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है 10%, वेजेस 20% डिक्रीज हो रहा है, लेबर सॉरी ओवरहेड जो है इंक्रीज हो रहा है 10%, तो प्लस 10% आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। देखते हैं ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, क्या दिया आपको यहाँ पे 2500 माइनस 10%, तो 2250, मतलब 2500 में से 10% माइनस कर लेना है, 10% डिक्रीज करना, 1000 रुपये में से 20% मतलब 800, और 500 में प्लस करना है 10% मतलब 550, टोटल करेंगे ये तीनों का टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट 2250 प्लस 800 प्लस 550, तो आपको 3600 मिल जाता है। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट जो है वो 20% कॉस्ट सेलिंग प्राइस का है, मतलब आपको इस तरह से यहाँ पे सेलिंग प्राइस 100 होगा, ये 20 होगा, तो ये आपका 80 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 20 × 3600 डिवाइड बाय 80, तो आपको जो है मिल जाता है 900, ये आपका 900 आएगा। तो इस तरह से अगर आप ऐड करें तो 4500 आपको सेलिंग प्राइस मिल जाता है, 4500। अब यूनिट जो आपको दिया है 2014 में आपने कैलकुलेट किया पर मंथ, कितना है पर मंथ, 1250, तो 1250 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 1250 मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो आपको जो है टोटल अमाउंट 2014 का मिल जाएगा, 1250 into 28,12,500 मल्टीप्लाई करेंगे 800 into 1250, तो आपको मिलेगा 10,00,000। वन टू फाइव ज़ीरो इंटू इंटू 550 इक्वल टू 6,87,500, 3600, 45 lakhs, 900, 11,00,000, 25,000, 56,00,000, 25,000। इस तरह से मेरे बच्चों आपको मिल जाएगा। अब आपको स्टेप नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टेप नंबर 3 मेन बच्चों यहाँ पे ही दिक्कत था। वापस हम इस स्टेप को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हमें क्या दिया था, 2013 का अमाउंट दिया था, तो हमने क्या किया 30,000 यूनिट से डिवाइड किया, तो हमें पर यूनिट मिल गया 2013 में। और अभी हमें कुछ बातें बता रहा है 2014 में। 2014 में बोला रॉ मटेरियल इंक्रीज रिड्यूस होगा 10% से, रिड्यूस करके निकाला, और आपका लेबर जो होगा रिड्यूस होगा 20% से, 20%, और ओवरहेड जो है 10% जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज किया। इस तरह से ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, ये तीनों पार्ट को अगर हम ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। और हमें बोला यहाँ पे देखो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन बोला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट एस्टिमेटेड टू मेंटेन अ ऑन प्रॉफिट ऑन सेल एट 20%, मतलब अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट 20 है और ये 80 है, तो यहाँ आपको ये मिला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 900 मिलेगा, ऐड करेंगे 4500, और बाद में यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2014 का अमाउंट मिल जाएगा। अब मेरे बच्चों आपको निकालना जो है स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर थ्री में स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है करना होगा, वर्किंग पर्टिकुलर्स रुपीस। अब मेरे बच्चों आपको देखते हैं यहाँ पे, पहला आपको जैसे कि आपको पता है फर्स्ट पार्ट क्या लिखना होता है आपको, करंट एसेट का फर्स्ट पार्ट जो है करंट एसेट लिखेंगे। करंट एसेट में आपको पहला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ देख सकते हो रॉ मटेरियल 28,12,500 है, और रॉ मटेरियल जो है वन मंथ के लिए इनटू वन, तो आपको 28,12,500। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ WIP, जैसा कि हमने आपको बताया WIP तीन चीज़ों से मिलके बनता है, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, रॉ मटेरियल 28,12,500 है, लेबर आपका जो है 10 लाख है, ओवरहेड आपको 6,87,500 है। इस तरह से आपको ये तीन चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पे मेरे बच्चों देखो, प्रोसेसिंग पीरियड वन मंथ है, इंटू वन इंटू 100%, यहाँ पे इंटू वन इंटू 50%, इंटू वन इंटू 50%, इस तरह से आपको क्या है करना है कैलकुलेशन। ध्यान दें हमेशा रॉ मटेरियल जो WIP में तीन चीज़ें आनी चाहिए, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। रॉ हमेशा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो रॉ मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड 50-50% लें। तो यहाँ पे 28,12,500 इंटू 100% ले लेंगे तो ये सेम ही आएगा 28,12,500, यहाँ पे ये 5 लाख आएगा, यहाँ पे 6,87,500 इंटू 50% तो आपको 3,43,750 मिल जाएगा। अब आप इसे ऐड करें प्लस 28,12,500 तो आपको 36,56,250 मिल जाएगा। अब आपको लिखना है यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब मेरे बच्चों आपको स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए क्या होता है वैल्यूएशन, उसका टोटल कॉस्ट, 45 लाख है, 45 लाख। यहां पे आप देख सकते हैं फिनिश गुड्स विल रिमेन 2 मंथ इनटू 2, मतलब आपका ये 90 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेटर, डेटर्स का वैल्यूएशन अगर कुछ भी नहीं बोला तो क्रेडिट सेल्स पे होता है, और हमें कैश सेल्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हमारा टोटल सेल्स को ही मान लेंगे क्रेडिट सेल्स, जो कि 56,25,000 है। इनटू होल्डिंग पीरियड कितना है यहाँ देख सकते हो, कस्टमर एट सेलिंग प्राइस विल एंजॉय 1 मंथ इंटू 1, मतलब 56,25,000। अब आपको यहाँ पे कैश बैलेंस ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में देख सकते हो 30 लाख, यहाँ पे 30 लाख रुपए का दिया हुआ है, गिवेन है मेरे बच्चों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैश बैलेंस 90% क्वेश्चन में दिया होगा। इस तरह से अगर आप टोटल लें तो टोटल करंट एसेट आपको मिल जाता है, टोटल ले लेते हैं 28,12,500 प्लस 36,56,250 प्लस 90 लाख प्लस 56,25,000 प्लस 30 लाख, तो आपको 2,40,93,750 जो है करेंट एसेट मिल जाता है। बी पार्ट, करेंट लाइबिलिटीज़ के लिए क्वेश्चन में बोला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब ही सप्लायर, 2 मंथ है। हमेशा ध्यान दें क्रेडिटर का वैल्यूएशन क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे होता है, लेकिन हमें कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया है तो क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या मान लेंगे, 28,12,500 इंटू 2, 28,12,500 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 56,25,000 रुपीस का। अब मेरे बच्चों जो है यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हमें आउटस्टैंडिंग ऑफ
वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ ओवरहेड। यहाँ पे देखो बच्चों, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड वन मंथ, वन मंथ का है, मतलब यहाँ पे 10 लाख इंटू वन 10 लाख आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है 6,87,500 इंटू वन, तो 6,87,500 टोटल ले लें तो आपको मिल जाएगा टोटल करेंट लाइबिलिटीज, मतलब आपका बी पार्ट, यह आपका ए पार्ट था, यह आपका बी पार्ट। तो 56,25,000 प्लस 10 लाख प्लस 6,87,500, तो इस तरह से आपको 73,12,500 मिलता है। अब आपको वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, मतलब माइनस 2,40,93,750, तो आपको 1,78,1,250, मतलब 1,67,81,250 आपका वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। इस तरह से बच्चों किसी भी वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन को 3 स्टेप में हमें सॉल्व करना होता है। और बच्चों अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई बातें नहीं समझ में आई है, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो वो भी कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर मेरे बच्चों आपको हमारा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाएँ, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो जो अकाउंट और टैक्सेशन से रिलेटेड हो वो आपको मिलती रहे। तो बच्चों और हम अपने अगले आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कुछ और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, जो कि जिसमें हम कुछ अलग क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ में। और मेरे बच्चों आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। थैंक यू।